हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेरा नाम है सतीश पाटिल और मेरे साथ है आज यश अग्रवाल, जो कि सीडैक एक्ट से पास आउट हो चुके हैं। तो गाइस, इनके बारे में जानेंगे, इनकी पूरी जर्नी कैसी थी सीडैक एक्ट में, या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या क्या, मतलब ड्यूरिंग कोर्स क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी उनकी, और अच्छे कंपनी में प्लेस भी हो चुके हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे होने वाला है कि ड्यूरिंग कोर्स आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए या क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए इसके बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाकी भी सीडैक के वीडियो तुम इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने बाकी भी सेंटर के स्टूडेंट के साथ वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो पहले यश का पूरा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो तो थोड़ा इंट्रो इंट्रोडक्शन दे दो यश आपका। हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम यश अग्रवाल है। मैंने इंजीनियरिंग 2019 में पास आउट की थी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स फील्ड में, और फिर सेप्टेम्बर लास्ट फर्स्ट ऑनलाइन इंडिया बैच में मैं इनरोल हुआ था एक्ट स्कूल में। और फर्स्ट डे फर्स्ट कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया और अच्छे पैकेज के साथ हुआ। तो मेरे को लगता है मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं। बाकी आपकी चॉइस है, आप उसको सुनते हैं कि इग्नोर करते। सही है, सही। तो यश, मुझे लाइक ओवरऑल बता दो, लाइक सीडैक करने का क्यों डिसाइड किया, या फिर क्या रीजन था कि सीडैक करके, मतलब क्या करना है, या फिर कैसे पता चला तुम्हें, इसके बारे में पहले बता दो। सीडैक मैं कर रहा था गेट की प्रिपरेशन। ओके, ठीक है। फिर कोरा पे मैं अलग अलग फोरम्स पे देखता रहता था ना, तब मेरे को एक जगह सीडैक का मेंशन हुआ वहां पे। तो फिर मैंने और देखा उसके बारे में, तो मैं सोचा मेरा अल्टीमेट गोल तो मेरे को जॉब ही करना है ना, मेरे को एकेडमिक्स में जाना है ना, मेरे को रिसर्च पे जाना है। तो मैं गेट में मेहनत क्यों करूँ जब मैं सीकैट निकाल सकता हूँ, और सीकैट निकाल सकता हूँ इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसका मेजर पार्ट रहता है एप्टीट्यूड। ओके ओके, तो जो मेरी रैंक आई थी सीकैट में वो मेजरली एप्टीट्यूड की वजह से ही आई थी। ओके ओके ओके, मतलब ज्यादा फायदा होगा जैसे गेट प्रिपेयर किया था तो। हाँ, नहीं, गेट प्रिपेयर किया था उससे एप्टी का लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपको सीकैट एग्जाम में ओवरऑल अच्छी रैंक चाहिए ना, तो उसमें आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है ना, तो वहां पे उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ओके ओके, और फिर यही एप्टीट्यूड आपको सीकैट में एंटर करने के बाद जब आपके प्लेसमेंट चालू होंगे तब भी काम आएगा। अच्छा, ओके ओके, तो आप ये बता दो लाइक डिसाइड, मतलब क्या रीजन था कि लाइक सीडैक करके, या फिर नहीं, वरना आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सीडैक, मतलब ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अभी तक। जैसे मैं ऐप पुणे में था, मैंने मतलब कई जगह पढ़ा था, कई कोरा पे देखा था कि फैकल्टीज उतना ध्यान नहीं देती है एप्स में, स्पेसिफिकली एप्स में। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, सही बताऊं तो। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट पे हमारी जो गाइड थी, हमारे साथ रात में 11:30-11 बजे तक रूम कॉल पे रहती थी, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अब और क्या बताऊं, और बाकी भी पूरे टाइम आते थे। हमारी एक फैकल्टी थी कोर्स आवा थी मद्रा में, वो हम लोग का कोर्स खत्म हो गया, प्लेसमेंट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, तब भी हम कुछ भी पूछते थे उनसे वो तुरंत बता देती थी, तुरंत नहीं जैसे ही उनको टाइम मिलता था। बाकी फैकल्टीज भी ऐसी ही थी, और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हमारे बहुत अच्छे थे दोनों, काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहे थे। okay, और कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी, जो उनकी बात मानना था। अच्छा अच्छा, बाकी आपकी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रही है, मतलब सीडैक एक्ट्स में। एक्सपीरियंस जैसे बढ़िया रही है, और इस बात की भी आदत पड़ रही है, काम करने की आदत। तो एक्ट्स में क्या रहता कि अगर आप दिन भर मतलब रोज मेहनत नहीं कर रहे हो ना, इवन ऑन संडे, तो आप पीछे हो जाते हो, एक बार पीछे हो गए तो फिर हो गए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो अब मुझे बता दो लाइक, तो ड्यूरिंग कोर्स जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कैसे करना है, या फिर क्या चीजें करनी है या नहीं करनी है क्या चीजें, तो तुम्हारा कैसा रूटीन था लाइक ओवरऑल आपका रूटीन ड्यूरिंग कोर्स? मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों की क्लासेस कैसे होती थी, सुबह हम लोगों की थ्योरी क्लास होती थी, और शाम को या रात को होता था हमारा लैब, तो हम लोगों को सुबह पढ़ाते थे, और पूरा दिन का हमारे पास टाइम रहता था, उसमें हम लोग का असाइनमेंट भी दे देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। तो सबसे बढ़िया रहता है कि जो सुबह पढ़ाया है वो पहले तुम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, लैब चालू होने से पहले। अच्छा, हाँ, तो लैब चालू होने में तुम इंटरेक्ट कर पाओगे, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर तुमने वो चीज अगले दिन के लिए छोड़ दी तो वो दिक्कत हो जाती है। और क्या, जब प्रैक्टिकल करते रहो ना,
इसका फायदा तब रह पड़ता है अपन को सीसीटीवी में भी फायदा पड़ता है जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि ओके तो ओके मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने मतलब सीसीटीवी के लिए जितनी थ्योरी पढ़ी थी ना वो कुछ काम नहीं आई मेरे, और जितना अच्छा मैंने कोड किया था मेरा मैक्सिमम उसी से हुआ है। तो ऐसा नहीं कि रटने वाले कुछ कि भैया ये थ्योरी पढ़ लूँ ये नोट्स पढ़ लूँ, उससे नहीं कर पाता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना कोड आपका उतना अच्छा जाएगा, ऐसा ओके मेरे ओके केस में ऐसा ही हुआ। ओके ओके तो अब जैसे अभी अगर और जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं टाइम कम रहता है और एक्सटेंड करने में भी कोई मॉड्यूल दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि फैकल्टी फीडबैक ज्यादातर होती नहीं है, बाहर की होती है, उनके पास टाइम नहीं रहता। तो मेन दिक्कत ये आती है ना बच्चे क्या बीच बीच में अगर फैकल्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत, क्या बाहर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जरूर आएंगे जो वो दिखाना चाहेंगे कि भाई मेरे को इतना आता है मेरे को उतना आता है, तो ओके उन्हें थोड़ा ओके स्लो बिगाड़ देते हैं, तो उसको मैनेज करने में बस एक दिक्कत आती है ऑनलाइन क्लासेस। ओके ओके तो अभी ये बता दो कि लाइक तुम्हारी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या थी, जैसे कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी तुम्हारी भी, अगर तुम यश 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 का पहले ही कंपनी में प्लेस हो चुका है गाइस, ये बता दिया मैंने आपको, तो जो फर्स्ट कंपनी उसने प्लेसमेंट में दिया था उसी में उसका प्लेसमेंट हो गया, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। तो अभी ये बता दो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि कैसे पढ़ा जाए या फिर क्या चीजें की जाए क्या नहीं की जाए, इसके बारे में बता दो, लाइक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी। मेन क्या होता है, हम लोग को पहले से ही पता था कि जो कंपनी जब आती है तो इंटरव्यू में वो तुमसे बेसिक्स पूछेगी और तुम मेन पूछेगी तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो कोई भी इंसान जो मॉड्यूल चल रहा है उसको जो पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर ले तो उसको हर टॉपिक का बेसिक आता जाएगा, और फिर ये बेसिक आएगा ना तो जब प्रोजेक्ट करने जाएगा वो बंदा तो बहुत ज्यादा अटकेगा, बहुत ज्यादा। तो जैसे ही उसको एरर्स को सॉल्व करता जाएगा ना उसका नॉलेज बेस बढ़ता जाता है, तो प्लेसमेंट में ये बहुत काम आता है। तो यही अगर आप ड्यूरिंग द मॉड्यूल उसको नहीं पढ़ोगे ना ढंग से तो ना आपसे प्रोजेक्ट में ढंग से बन पाएगा, और फिर ऐसा वो स्टैक होता जाता है इसके ऊपर एक, यहाँ पे भी नहीं हुआ फिर वहां पे भी नहीं हुआ फिर प्लेसमेंट में भी नहीं होता है। मतलब जो जो और सीखा हाँ जो हाँ सीख जो सीखा दिया जाए वो फटाक से कर लो, वरना वो पाइल अप होते जाता है, लाइक ये नहीं हुआ ये बच गया ये अब बच जैसे थ्योरी गया। क्लास में नहीं समझ में आया तो लैब में पूछ लो ना। अब जैसे हमारा एक टेक्नोलॉजी थी डेटाबेस टेक्नोलॉजी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शंस और ट्रिगर्स का, वो मेरे को समझने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो थ्योरी क्लास में बार बार नहीं पूछ सकते नहीं, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। तो 2-3 दिन तक लैब फैकल्टी जो थी मैंने 2-3 दिन तक उनको बोला कि यही टॉपिक दोबारा पढ़ा, तो यही टॉपिक दोबारा पढ़ा, तो वो 2-3 दिन तक पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, वही वही आप अगर कुछ समझता नहीं तो पूछने का अपने तरफ भी मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कुछ पूछ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फैकल्टी से पूछो, परेशान करो उनको कि लाइक बता दो बता दो। तो और अभी लेकिन ये परेशान करने वाला काम लैब टाइम में करना, क्योंकि अगर यही काम अगर थ्योरी में करोगे तो आपका तो डाउट सॉल्व हो जाएगा और बाकी के जो 200-250 बच्चे हैं उनका काम खराब हो जाएगा। क्योंकि हाँ लाइक उनका एक बार फ्लो थ्योरी क्लास में फ्लो टूट जाता है ना तो कंसंट्रेट करने में मुश्किल आती है ऑनलाइन क्लास में तो खास। ओके ओके तो और ये बता दो कि लाइक ऑनलाइन में क्या मतलब प्लस पॉइंट्स है, लाइक बच्चे बहुत लोग सितंबर बैच में नहीं ले चुके थे एडमिशन या फिर ऑफलाइन के लिए वेट कर रहे, तो तुम्हें क्या लगा कि लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस हो सकता है, या फिर तुम्हें ऑनलाइन में पर्टिकुलरली क्या पसंद आया, इसके बारे ऑनलाइन में में बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कन्वीनियंस, अपने पास बहुत कन्वीनियंस था, अपन के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी थे। जैसे एक्ट में पॉलिसी थी हम लोग को 14 दिन के लिए मिलते हैं, बस 14 दिन के अच्छा एक्सेस रहता है, और अच्छा 14 दिन में एक एक मॉड्यूल भी खत्म ही हो जाता है, तो अपने पास अच्छा खासा टाइम रहता है देख लो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मतलब वो मॉड्यूल क्या बहुत हार्ड था मेरे लिए, बहुत हार्ड पढ़ रहा था तो मैं क्लास के साथ कोप नहीं कर पाता था। ओके 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 तो उसमें ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं किसी को कहूंगा नहीं कि ये अपनाए, पर ये मैंने ऐसा किया। तो ओके ऐसा उसमें क्या रहता था, अपन के पास वो 2-3 हफ्ते चलता है कोई भी मॉड्यूल, उसके बाद भी अपन के पास 14 डेज रहते हैं। और वो ऐसा मॉड्यूल था ना जिसके लिए हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर ने रिकॉर्डिंग्स का टाइम भी एक्सटेंड कर दिया था, तो मैं क्लास के साथ चलता ही नहीं था। स्टार्टिंग में 1 वीक चला फिर मेरे को पता चल गया कि मैं नहीं चल पाऊंगा, क्लास चलूंगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा,
तो मैंने दो पार्ट में देखा था, 4 घंटा आज देखा, 4 घंटा कल देखा, फिर उसके बाद ऐसे देखा। तो ऐसा वो मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल था, वो जब खत्म हुआ वो मॉड्यूल, मेरा कोर्स उसके 2 हफ्ते बाद खत्म हुआ। ओके ओके, मतलब लेकिन ये बात हुई कि मेरे को पूरा समझ में आ गया, यही फायदा मेरे को ऑफलाइन बैच में नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर ऑफलाइन बैच में कुछ छूट जाता है तो छूट गया, फिर उसका एक्सेस नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो और यही ऑनलाइन ज्यादा बैच में सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप वर्चुअली काम करने के काबिल हो जाओगे, आपको पता रहेगा वर्चुअली काम कैसे करना है जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि कोविड का कुछ भरोसा नहीं, और कोविड नहीं भी होता तो कभी कभी कंपनी आपको रिमोट लोकेशन पे काम करने को बोल देती है, एग्जैक्टली ये एडेड एक्सपीरियंस हो जाता है कि भैया बच्चे के पास ये स्किल भी है, इसको अगर हम कहीं और से काम या फिर किसी और टीम से काम कराएंगे जो यहाँ पे नहीं है तो ये कर लेगा या कर लेगी। ओके ओके ओके, तो जैसे मुझे ये बता दो कि लाइक तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो सीएसआईटी से बिल्कुल नहीं था, लाइक ऑटोमेशन मतलब उसमें कुछ नहीं होगा प्रोग्रामिंग के। सीएसआईटी से हम लोग का जो था ना लेना देना वो डेवलपमेंट से नहीं था, वो ओके हमारा था माइक्रो कंट्रोलर से, प्रोग्रामिंग से, ओके ओके, लाइक एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड थी, ओके ओके ओके, तो लाइक लेकिन तू उसमें था हमारा था लेना देना, लेकिन जब मैं भी काम करता था कॉलेज में प्रोजेक्ट में तो मैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे काम ही नहीं किया था। तो जब मैं बस ऐसा बता रहा हूँ, सीडेक की प्रिपरेशन से पहले मैं को हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करते नहीं आता था। अच्छा, तो मुझे ये बता दो लाइक अगर तुम्हारा एम्बेड में ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोल के बारे में पता था तो तुम एम्बेड सिस्टम भी चूज कर सकते थे। हाँ वो ये ऑप्शंस में था मेरे कि मैं डैक करूँ कि डीएससी करूँ, ओके लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें वेटेज दोनों का नापा कि मेरे को फायदा किसमें हो, क्योंकि सर बताऊँ ना तो मेरे को काम करने में उतना मजा नहीं आता जितने काम का आउटकम में मजा आता है। ओके ओके, तो वही अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसमें मेरे को मजा आता है, मैं क्या काम कर रहा हूँ उसमें नहीं आता, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। ओके ओके, तो मेरे को अभी डीईएससी में भी सेम रहता, डैक में भी सेम रहता, मतलब डैक में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी तो डैक में भी कर लो। ओके ओके, तो आप पर्टिकुलरली प्रिपरेशन के थोड़ा डीप में चलते हैं, लाइक पर्टिकुलरली कोडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, या फिर सीसी का एग्जाम का जो एमसीक्यू देनी होती है वो कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट चूज करना है तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि लाइक पर्टिकुलरली अभी कोर्स जब स्टार्ट होता है तुम्हें पता है कि अगर किसी का गैप होता है या फिर कुछ, तो ये बता दो चलो पहले कि लाइक गैप का कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर गैप मतलब होता है तो कितना मेरे डिफरेंस साथ कितना। ईयर गैप है, मैंने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था, एक ओके साल का गैप वहाँ आ गया, और फिर 2019 का पास आउट हूँ मैं और मेरा प्लेसमेंट चालू हुआ 2021 में, सीडैक से पहले 1.5 साल का गैप, तो 2.5 साल का गैप मेरे में भी है पूरा एजुकेशनल गैप, तो गैप का उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे बैच में कई बच्चे हैं जो 2017 पास आउट है, और मोस्ट ऑफ तो बच्चे जिनको मैं जानता हूँ उनका प्लेसमेंट हो गया है, और एक बच्चा ऐसा भी जो 2012 पास आउट है, वो दूसरे काम में था अभी डोमेन में शिफ्ट कर रहा है, उसका भी प्लेसमेंट हो गया है। सही है सही है, और एक और बच्चा है जो मतलब उसका मैसेज आया था ग्रुप में, हम लोगों ने देखा कि वो 12th में 3 बार फेल हुआ है, उसके बाद पूरे एकेडमिक्स में कहीं भी उसके 50% से ऊपर मार्क्स नहीं है और उसका प्लेसमेंट हो गया है। तो गैप का उतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बस आपके ऊपर है कि आप उसको ले पाते हो कि नहीं। और क्या होता है ना, जब कंपनी आती है ना तो सीडैक के हाथ में कोई भी इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं रहता है कि वो कंपनी इसको शॉर्टलिस्ट कर रही है। ओके ओके, तो वो तो जब कंपनी जब आने लगती है ना तो आप किस इंस्टीट्यूट से हो, आपका कौन सा ईयर गैप है, ये सब आपको मायने नहीं रखेगा। आपको एक काम करना है, अगर आपका गैप ज्यादा है मान लीजिए, तो आप एक काम कीजिए कि आपको जो सीसीई की परफॉर्मेंस है ना वो जितनी अच्छी होगी आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाएगी, और एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके बाद आपका कुछ पीछे का मायने नहीं रखता, फिर आपको आपकी इंटरव्यू की और कोडिंग राउंड वगैरह की परफॉर्मेंस मायने रखेगी। आप कितने टेक्निकल साउंड हो वो मायने रखता है, एक बार शॉर्टलिस्ट होने के लिए बस क्राइटेरिया है कि लाइक टेक्निकल साउंड भी मायने रखता है और आपका बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है,
जब जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से 4-5 ही पूछे गए। और फिर उसके बाद ना जब मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कॉलेज वगैरह का, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे से, मैंने अधिकतर क्या किया है कॉलेज में, अपनी हर बार मैंने टीम लीड की है टीम, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे से उसी के बारे में पूछे गए कि तुमने मैनेज कैसे किया अपनी टीम को अलग अलग सिचुएशंस। तो आपका ये रूटीन वर्क भी बहुत मायने रखता है, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंटरव्यू में बहुत मायने रखती है। वही कुछ बच्चे हैं जो इस चीज में आगे नहीं थे, उनसे टेक्निकली बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको मतलब दोनों का बैलेंस बना के चलोगे ना तो आपको फायदा रहेगा। जैसे अभी सीडैक में भी आप लॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ट्राई करो कि तुम लीड करो उसको, किसी को फॉलो करने की जगह। और जब आप प्रोजेक्ट लीड करते हो ना तो आपको ज्यादा नॉलेज आता है उस पूरे प्रोजेक्ट का, इंस्टेड ऑफ कि आप फॉलो करो। तो अब ये बता दो, लाइक अगर बेटर है जिस किसी का अगर गैप है ऑलरेडी, एजुकेशन गैप, लाइक 3 साल हो या फिर 4 साल हो या फिर 5 साल हो, तो बेटर है कि जो एंड एग्जाम होता है सीटेट का, तो उसमें अच्छा स्कोर कर लो, हाँ राइट? तो ज्यादा फायदा हो जाएगा शॉर्टलिस्ट होने में। हाँ और ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, हम लोग का कोर्स कम है, तो कोर्स सही है कम है सही ना, है। तो आप लोग प्रिपेयर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और प्रिपेयर करने में सबसे मेन काम आएगा ना प्रोजेक्ट का। तो जैसे अपने 7-8 टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोग को पढ़ाई, तो उसमें से जो जो टेक्नोलॉजीज आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रही है उसकी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट का अच्छे काम, जैसे एडवांस जावा, कोर जावा और डीबीटी, इन तीनों में मैं अपने प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था, तो इन तीनों का मेरा सीसीपीपी का स्कोर अपने आप अच्छा चला गया। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे को देख के ही पता चल गया कि इसका आंसर ये होगा, तो वही ओएस और डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों का मतलब मॉड्यूल खत्म होने के बाद मेरा कोई रिलेशन नहीं था, तो इन दोनों का स्कोर कम हो गया। तो आप प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है ना उस पर जितना अच्छा फोकस करोगे उतना आपको सीसी, मतलब आप ऐसा इंजीनियर सोचो ना कि आपको सीसीटीवी के लिए ही प्रिपेयर करना है। आप ओवरऑल अगर ढंग से सब करते जाओगे ना, सब जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, कॉपी करने की जगह खुद से समझ के करो, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा खुद से समझ के करोगे तो। और सबसे बड़ी है कि एरर खुद से निकालना सीखो, पूछने की जगह दूसरों से, क्योंकि तो एरर आपको जितनी खुद से निकालोगे ना, जब आप खुद से निकालते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि ये ऐसे होता है। तो अभी ये, सीसीटीवी हाँ का स्कोर इससे अपने आप बढ़ जाता है। तो अभी ये बता दो, तुमने पर्टिकुलरली जो एंड एग्जाम का होता है उसका प्रिपरेशन कुछ था, लाइक ड्यूरिंग कोर्स जो कर रहे थे तुम कि एमसीक्यू सॉल्व करो जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है, फिर ऐसे कुछ किया है पर्टिकुलरली, कैसे प्रिपेयर ड्यूरिंग किया द था? कोर्स मैंने, ड्यूरिंग द कोर्स चल रहा था ना तब मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि तो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर ने बताया था कि तुम लोगों को सीसीपी के लिए अच्छे से टाइम दिया जाएगा, अभी उस पर फोकस करोगे तो करंट का कचरा हो जाएगा पूरा, तो अभी जो करंट चल रहा है उसी पे फोकस करो। अब जैसे जो मॉड्यूल चल रहा है उसी मॉड्यूल को पढ़ो, ये नहीं कि पिछला मॉड्यूल लेके बैठ गए दोबारा, क्योंकि पेस हाई रहती है कोर्स की, तो करंट मॉड्यूल से डेविएट हो गए तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा जब कोर्स चल रहा था ना तो मैं तो वही करता था जो मॉड्यूल चल रहा है, फिर आपको उसके साथ टाइम मिल रहा है ना तो आप उसी मॉड्यूल से एमसीक्यू एंड बाउंड्री वगैरह को प्रैक्टिस कर दो, लेकिन उस मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे मत चले जाना उस टाइम पे। तो अभी चलते प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि लाइक प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर तुमने कैसे चूज किया था, या फिर कौन से टेक्नोलॉजी पे चूज किया था, तो बच्चों को क्या सोच के करना चाहिए इसके बारे में बता दो ओवरऑल। तो जैसे प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग के पास क्या ज्यादा ऑप्शन नहीं थे ऑफलाइन बैच के मुकाबले। ऑफलाइन बैच के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो .NET पे कर ले या तो जावा पे कर ले। जावा पे कर ले। हम लोग का तो जावा ही था मेन, तो बैकएंड तो हमारा जावा होना ही होना था। अब आई फ्रंट एंड की बात, तो फ्रंट एंड के बाद हम लोग के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपन लोग रिएक्ट पे कर ले या जावा पे कर ले। तो हम लोग तो मतलब जो गाइड थी उसने एडवाइस दिया कि जब तुम लोग बैक एंड जावा पे कर ही रहे हो तो फ्रंट एंड पे जावा पे करने से अच्छा है रिएक्ट पे कर लो, तो तुम लोगों को क्या जो भी पढ़े हो ना उसको इंप्लीमेंट कर लो। तो ऑफलाइन बैच मतलब हमारा और
अभी की बैच का कोर्स तो सेम ही है, तो आप यही मान के चलो कि आप कंटेंट करोगे रिएक्ट से। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि बैकएंड नोड पे किया है, नोड भी है कोर्स में तो नोड पे किया है, पर प्रेफरेबल रहता है जावा पे करना, क्योंकि हम लोग का कोर्स का स्ट्रक्चर फोकस है जावा पे, मेन फोकस कंपनी अधिकतर वही देखती है, उसी हिसाब से कंपनी कोर्स स्ट्रक्चर देखते ही आती है ना। और फिर बाकी जो और टेक्नोलॉजी से आती है वो ट्रेनिंग तुमको देती ही है दूसरी टेक्नोलॉजी की, तो पूछती वही है जो तुमने किया हुआ है सीएएस में। ओके ओके, तो जब प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी चूज करो तो वो चूज करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है। ओके, और सीधे बात आ जाएगी कि प्रोजेक्ट कैसे चुनना है। तो तीन चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना और डिलीट करना। आपका प्रोजेक्ट का फोकस ये होना चाहिए कि आप चार ही बेसिक फंक्शनैलिटी उसमें डाल सको, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइज कर सको, और सबसे बड़ी बात वर्चुअल रहेगा ना सब, तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि आप टीम कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हो। तो मान लीजिए जिसको गेट आता है या कोई भी कोड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है, तो वो खुद कर रही प्रैक्टिस उसको, या अपनी जो टीम बनाने वाला है, अगर आपकी टीम वर्चुअली काम कर सकते हैं गेट पे जिसके कमांड्स पता है उनको, तो आपको ना कोलैबोरेट करने में बहुत आसानी होगी। और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है टेक्निकल राउंड में, या फिर जो भी टेक्निकल राउंड एक दो होते हैं वहां पर प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस रहता है, लाइक वो लोग कितने क्वेश्चन? प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस मैं मान लूं तो आपका 60-70% वेटेज ले लेता है वो। ओके, क्योंकि जो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें मेरे को दो मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, मैंने उनको बताया, और फिर साथ में मैंने ये भी बताया कि मैंने प्रोजेक्ट में किस पार्ट में काम किया है। ओके ओके, उसके बाद मेरे जितने भी क्वेश्चन थे या तो प्रोजेक्ट के उसी पार्ट से रिलेटेड थे, या फिर वो जावा के बेसिक क्वेश्चन थे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये वो। अब आप खुद ही सोचेंगे कि मेरे से पूछे ही वही जा रहे हैं जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है। एग्जैक्टली, तो अभी नेक्स्ट इस पे चलते, अभी सबसे इम्पोर्टेंट अभी बच्चों का कैसे रहता है, ज्वाइन होने से पहले एक डर होता है कि लाइक जैसे तुमने बताया कि तुम्हें भी कोई मतलब हेलो वर्ल्ड लिखना भी नहीं आता था कोडिंग के मतलब डैक ज्वाइन करने से पहले, तो बहुत सारे बच्चों को यही डर होता है कि लाइक मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं कैसे जाऊँ, जैसे मैक्सिमम मैकेनिकल सिविल या फिर दूसरे ब्रांचेस के बंदे, वैसे तुम भी नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, तो फिर कोडिंग की प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग कोर्स, कि आपका कितना मतलब कितने अच्छी तरीके से कोडिंग आना चाहिए ताकि तुम कोडिंग राउंड क्रैक कर सको प्लेसमेंट के टाइम? कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए ना, जब अपन लोग नॉर्मली अपने लैपटॉप पर कोडिंग करते हैं, जब वर्चुअल एनवायरनमेंट पे कोडिंग करते हैं ना, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अपन नॉर्मली जब कोडिंग करते हैं तो अपन लोग टाइम लिमिट एक्सेस वाला सिस्टम अपने साथ नहीं रहता है ना, तो और ऑनलाइन करते हैं तो आपको दो दिक्कत होती है, तो पहले करिए कॉपी कर रही है कौन चुनता है काम से, पकड़े जाते हो, और एक बार पकड़े गए ना तो सीसीटीवी से बाहर, ओ भाई डेंजर है ये तो। अच्छा है, और दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है आपका वो प्रैक्टिस, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट और अपना खुद का आईडी में बहुत अंतर होता है ना। मैं तो कहूंगा कि किसी भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हैकर हो गया, गीक फॉर गीक्स हो गया, बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना जो अरे और स्ट्रिंग के, अरे स्ट्रिंग के ये प्रैक्टिस कर लो आप, अरे स्ट्रिंग और मैथमेटिक्स। ओके, तो चार पांच टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए थे। ओके ओके, स्ट्रिंग्स प्रैक्टिस की थी, अरे प्रैक्टिस की थी, पजल्स प्रैक्टिस किए थे, और मैथमेटिकल लॉजिक प्रैक्टिस किया था। तो फॉर्चुनेटली जो मेरे को कोडिंग क्वेश्चन आया ना वो स्ट्रिंग का आ गया था, और वो भी वही जो मैं उस मतलब वही फंक्शन यूज हो रहे थे उसमें जो मैंने प्रैक्टिस किए थे। वाह, अगर और ऐसे फंक्शन थे ना वो कि अगर मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की होती थी तो मेरे को वो नहीं बनते। तो मुझे अब ये बता दो लाइक कोडिंग कितना मतलब क्या बोलते हैं कितने अच्छे तरीके से आना चाहिए, एक बंदे को कहाँ रुक जाना चाहिए कि लाइक यार इससे ज्यादा प्रो मत बनो, क्योंकि इतना जरूरी नहीं है कि ज्यादा बहुत भी हाई लेवल। कोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइव है ना आप अपना लॉजिक डेवलप कर, लेकिन आप कोड क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, है ना, एक बार वो बेसिक क्वेश्चन के लिए अप्रोच हो गई बन गई ना, तो आपका काम सेट है कि आप अप्रोच कर पा रहे क्वेश्चन को कि उसको सॉल्व करना कैसे है। उसके लिए पता मैं आपको ना एक लिंक दे दूंगा वीक फॉर वीक का, जिससे मैंने प्रैक्टिस किया था, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना,
तो उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, इजी वाले, ये क्या रहता है क्वेश्चन पे पॉइंट्स रहते हैं, तो 0 पॉइंट्स और 1 पॉइंट वाले क्वेश्चन ही मैंने किए थे, वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ना बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको कोडिंग में, उसमें आप वो लोग यही टेस्ट करेंगे कि बच्चा बेसिक सिंटैक्स जानता है कि नहीं और लॉजिकल सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। ओके मोस्टली ओके मतलब मैंने भी जितनों से पूछा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन आए थे, तो अरे और स्ट्रिंग के आसपास ही आ रहे थे सारे। और कोडिंग प्रैक्टिस मान लीजिए आपको करनी है ना, तो आप लॉजिक तो आपका फीडबैक के दौरान डेवलप हो ही जाएगा है ना, और फिर आपको वही लॉजिक अप्लाई करना सीखना है कोडिंग प्रॉब्लम्स में। तो मान लीजिए सीसीपीटी के आसपास आपको थोड़ा टाइम मिलता है, हफ्ते 10 दिन का, हम लोगों को लंबा मिल गया था क्योंकि हमारा कोर्स, हमारे इंस्टीट्यूट का कोर्स जल्दी हो गया था, बाकियों का बचा था, तो हम लोगों को जल्दी मिल गया, वो लंबा टाइम मिल गया। तो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस उसी दौरान की थी, पर जैसे आपका चलेगा सीओपी चलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, उसके दौरान भी कर सकते हो, या बीच में कभी आपको टाइम मिले ना, तो कोडिंग प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन ही करते ही हो, रुकने वाला सीन उसमें रखो ही मत, भाई जब टाइम है आपके पास उस करने को, नहीं फीडबैक घूमना करना की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 6 महीने कैसा सीन था ना, मैंने सबको बोल दिया था, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, मेरे को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, तो ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना, ना कोई मेरा दोस्त फोन करता था मेरे को कि घर घूमने चलते हैं। और एक बड़ी दिक्कत आती है ना ऑनलाइन कोर्स में, कि आपके पास वो एनवायरनमेंट ही रहता है आसपास पढ़ने का, और मेरे पास भी नहीं था, मेरे जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, दिन भर हल्ला होता है घर में। तो मैंने क्या किया, फीडबैक करने के लिए ना मैंने 6 महीने के लिए एक अलग से रूम रेंट पे ले लिया दूसरी जगह। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी इस बार के जो बच्चे ज्वाइन हुए थे ना उनको यही कह रहा था, अगर किसी को घर पर नहीं ये होती जो मैंने पढ़ाई। किया है ना, ये भी आपकी ही सलाह है, पहले मैंने आप ही सुना थी कि ये काम कर रहे हो, आपने हाँ एग्जाम्पल दिया था, जो पुणे में बच्चे हैं 3-4 बच्चे मिलते फ्लैट ले लो वहां कर रहे, तो वही काम किया मैंने। हाँ एक्चुअली मैंने मैंने वही सजेस्ट किया था कि बच्चों को क्या होता है, अगर घर पर कोई है, अभी मेरे जैसा बंदा है, लाइक मैं बचपन से बाहर हूँ, लाइक एलकेजी से मैं बोर्डिंग स्कूल में ही हूँ, तो मेरे घर पर कभी पढ़ाई नहीं होती, लाइक मैं बुक्स लेके ही नहीं जाता अकेले कभी। रहने की एक तो आदत पड़ गई, तो फिर घर पे आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते हल्ले। हाँ तो इसलिए मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था कि अगर आपकी सिटी से 4-5 बंदे सीडैक कर रहे हैं, तो एक फ्लैट ले लो, सब साथ में रहेंगे, तो और बाकी अगर अलग अलग सेंटर से तो और फायदा होगा कि लाइक यू कैन शेयर नोट्स या पता फिर चल जो। जाएगा ना कहाँ पे क्या चल रहा है, किसको क्या बताया गया। तो और प्रॉब्लम्स भी जब आते हैं तो फिर खुद से सर्च करने में, या फिर किसी, अगर तेरी फ्रेंड को पता है तो तेरा टाइम कितना बच रहा है इधर, लाइक ऑनलाइन सर्च करो। उस बात पे मैं ये कहूंगा कि पहले खुद से ही ट्राई करो एरर निकालने का, अगर तब भी नहीं निकल रही है तब पूछ लो किसी से, क्योंकि इस बार आप खुद, क्योंकि आप एरर निकालना सीख जाते हो ना अपने कोर्स में, तो आपको बहुत फायदा होता है, एरर रिजॉल्व करने में आना चाहिए। जो जो नॉन आईटी के बंदे हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को आती है एरर रिजॉल्व करने में, क्योंकि उनको पता नहीं रहता मैं सर्च कहाँ से करूँ, ना उनको स्टैक ओवरफ्लो का पता, ना किसी और चीज का पता, वो कोई ब्लॉग भी उनको पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो जो इनिशियल फेज में काम सीख लेगा ना कोर्स की स्टार्टिंग में, उसको जब हैवी मॉड्यूल्स आते हैं, जब कोर जावा या एडवांस जावा ये सब पढ़ाया जाएगा ना, जो बड़े हैवी हैवी मॉड्यूल्स हैं, इसका आपको इस कोर्स में एरर निकालना सीखना सब आ जाएगा, बहुत फायदा होगा। कोर डीबग करना कोर्स को, कि आपके कोर्स में एरर कहाँ है, क्योंकि मान लीजिए आपके बोर्ड में लॉजिकल एरर है, तब तो फैकल्टी को भी हालत खराब हो जाएगी, वो एरर ढूंढने, तो उसको पूरा कोड चेक करना पड़ेगा कि एरर किस पॉइंट पे आके वो कोड फेल हो रहा है, बेसिक एरर भी तो वो तो देख लेगा, तुरंत देख के बता देगा, लेकिन अगर कोई ऐसी एरर हुई जो मतलब आदमी सोचता नहीं कि ये भी एरर आ सकती है, तो तो मेरा डीबग भी, करते हैं। हाँ लाइक क्या मेरा भी वही अप्रोच होता है, लाइक बच्चों को मैं वही भी सजेस्ट करना चाहूंगा जो देख रहे हैं, कि लाइक अगर कोई प्रॉब्लम तुम ले रहे हो सॉल्व करने के लिए, हैकर रैंक से हो या फिर गीक्स फॉर गीक्स से हो, तो पहले खुद से सोचना स्टार्ट कर दो और एकदम सिंपल लॉजिक लाओ। बच्चे क्या करते हैं, कोडिंग है बोल के ज्यादा दिमाग लगाते हैं, लाइक और ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे अच्छा है कि सिंपल लॉजिक से चलो, ताकि मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें भी क्या चीजें है क्या नहीं है, या फिर बाद में हिंट देख लो उसे, लाइक पूरा प्रॉब्लम मत देखो कहीं से, कि
हिंट देखो, फिर हिंट देके फिर से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए खुद से, तो उसकी वजह से अपना लॉजिक है ना पीछे से डेवलप होते रहता है कि लाइक हाँ मतलब सोच चल रही है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा क्या था स्ट्रैटेजी, लाइक तुम्हें भी मतलब कोडिंग का तो जीरो नॉलेज था, तो स्टार्टिंग में क्या डिफिकल्टीज अच्छा, तुम फेस कर रहे थे कि लाइक मेरे साथ क्या था, मेरे को ना सिंटैक्टिकली बड़ी दिक्कत आती है, लॉजिकली अगर एप्टीट्यूड अच्छा है, अभी आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका लॉजिक भी बिल्ड होता है उसके साथ, तो वो पार्ट मेरा अच्छा था। मेरे को हमेशा से दिक्कत आती थी उस लॉजिक को अप्लाई करने में, सिंटैक्स में। तो मैं क्या करता था ना, मैं आईडी का इस्तेमाल कम करता था, मैं अपना पूरा कोड नोटपैड पे लिख लेता था, उसमें आपको हेल्प नहीं मिलती आईडी की, तो ऑटो कंप्लीट वाला सिस्टम खत्म। हाँ ये स्टार्टिंग में नहीं किया मैंने, अगर मैं स्टार्टिंग में कर लेता तो और अच्छा हो जाता। ये मैंने किया था, फीडबैक चल रहा था तब, टीसीएस की एक ड्राइव आई थी, तो वो उस पर मैं बैठा था, मैं चलो मेरे पास अगर फीडबैक प्लेसमेंट में अच्छा नहीं होता है तो किसी को पता नहीं था कि ऑनलाइन का प्लेसमेंट कैसा जाएगा, तो मैं वो बैकअप के लिए बैठा, तो उसमें मेरे को 5 सेक्शन थे, 4 सेक्शन कोड बड़े अच्छे थे, और जो कोडिंग राउंड था, कोडिंग वाला सेक्शन था ना, वो उसमें मेरा कोड कंपाइल भी नहीं हो पा ओके रहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया फिर, कि आप बिना आईडी के और इंटेलिजेंस की मदद से आप कोड लिखना सीख जाओ, पूरा सिंटैक्स आपका अच्छा हो जाएगा उससे। तो जो कंपनी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उसमें अधिकतर क्या रहता है, आपको सिर्फ एक पार्ट लिखना रहता है, बाकी लिखा रहता है, एग्जैक्टली जैसे सिर्फ लॉजिक लिखना रहता है। टेस्ट केसेस पास हाँ, करने होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी किस्मत खराब निकली और आपको पूरा स्ट्रक्चर भी लिखना है कोड का, तब फंस जाओगे और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी, तो सही उस बात है, चीज की सही। भी प्रैक्टिस करनी तो चाहिए। अभी मैं अभी आपको जो लिंक दूंगा ना गीक्स फॉर वीक्स का, उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैंने नहीं यूज किया था, और मतलब वो बेसिक अच्छे से डेवलप हो जाएगा उसका। आप चलेगा। उसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप रिकमेंड मत करना सारे करें, बस ओके ओके चलेगा उसमें चलेगा। जो अरे स्ट्रिंग यही सब बेसिक क्वेश्चन करें बस, क्योंकि तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब करने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको अगर आप आता है ना तो काम आ जाएगा। ओके तो अभी ये बता दो जो करंट बैच के बच्चे कर रहे हैं, तो लाइक सोर्सेज बता दो कि तुमने कौन से सोर्सेज यूज किए हैं, कि लाइक जो भी हैकर रैंकिंग सॉल्व हुआ है, या फिर कौन सी बुक यूज किए हर मतलब मॉड्यूल के वो लिए। किस कॉन्टेक्ट, हर मॉड्यूल के मैंने ना कोर जावा के एक बुक मंगाई थी, और मेरे पास एक बुक थी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, बस ओके मेरे को पूरे कोर्स में मेरे को समझ नहीं मिल पाया कि मैं वो बुक्स पढ़ पाऊँ। टाइम ही नहीं मिलता है अपना हाँ, अलग टाइमिंग पर। और क्या रहता है ना, अधिकतर फैकल्टी जितने अच्छे से समझा देती हैं और आप उनको दोबारा अप्रोच भी कर सकते हो, तो जरूरत नहीं पड़ती। और क्या रहता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत बुक रीड करने में क्या है, कि आपको जो फैकल्टी पढ़ा रही है उसका पढ़ाने का स्ट्रक्चर अलग रहता है, ओके ओके और बुक का जो राइटर है उसका समझाने का स्ट्रक्चर अलग रहता है। एग्जैक्टली तो मेरे को उस चीज में फिर दिक्कत आती है, तो मैंने ना फिर बाद में स्किप कर दिया कि मैं बुक अभी पढ़ूंगा नहीं। तो मैं क्या करता था, मेरे को कुछ भी पढ़ना है ना तो मैं गूगल कर लेता था, गूगल कर लेता था। और मान मैंने क्या किया था, मैंने ना अपना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ट्राई किया था कि मेरा सिंटैक्स से पहले ही अच्छा हो जाए, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब की जगह क्या किया, एनपीटीईएल का नाम सुना है आपने? हाँ, उसमें एक आईआईटी का प्रोफेसर था, डीएस एल्गो का कोर्स पूरा देख लिया, उसमें मेरे को बेसिक समझ में आ गया डीएस एल्गो का, कोडिंग तो मैंने कुछ किया ही नहीं होते टाइम, पर जो लॉजिक थे वो आ गया। ओके 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 तो आप बता दो मुझे कि लाइक जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स तुमने कौन से रेफर किए थे, कि जिससे आपको फायदा हुआ कोर्स में, इसके बारे में बता दो। कोर्स में अभी कुछ भी पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आप जब कभी अटकोगे तो सबसे पहले अपने ना व्हाट्सएप ग्रुप में वो पूछे, ओके ओके अगर खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई ना कोई बंदा बता ही देगा, हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई बता ही देगा, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो मान लीजिए आपका कोड कहीं पर अटका हुआ है, तो आपको क्लियरली आईडी नहीं दिखाता है कि आपके कोड में एरर कौन सी है, तो आप गूगल कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे अधिकतर ऊपर से आपको स्टैक ओवरफ्लो, बीच फॉर बीच के लिंक आ जाएंगे,
और ये दोनों अच्छे सोर्सेज है, बहुत ही अच्छे सोर्सेज है क्लियर करने के लिए। पर कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी आर्टिकल पढ़ के या किसी और का कोर्स देखते हैं ना, समझ में आता नहीं, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप लैब एक्रेडिटेशन में पूछ लें। ओके ओके। जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या था, पहली बार ऑनलाइन बैच हो रहा था, तो टीचर्स भी ना ऑनलाइन मोड से उतने फैमिलियर नहीं थे। उनको अब क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस आ गया है कि ऑनलाइन में कैसा सिस्टम चलना है। अब जो बैच है और जो आगे वाली बैच है ना, उनको और स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो मतलब फेब 20 बैच के थे, उनका भी लगभग ऑनलाइन ही हुआ था सब, लाइक मतलब सितंबर से पहले, मतलब उनका 1 month कुछ तो ऑफलाइन चला था, उसके बाद कोरोना की वजह से क्या है ये हो गया, तो फिर अब ऑनलाइन ही चला। उनका बहुत एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था लाइक ऑनलाइन में, क्योंकि वो फर्स्ट था, टीचर्स लोगों के लिए भी नया था, स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी नया था, तो हम लोग का कंपैरेटिवली काफी अच्छा था उनसे। जो आगे के बैचेस होंगे ना, उन्हें और फायदा रहेगा। अब जैसे मान लो आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हैकर एंड पे बेसिक क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन आप कर लो, मॉडरेट हाई पे जाओ मत, ठीक और बेसिक इजी क्वेश्चन कर लो, ठीक और गेट हो गया, जावा पॉइंट हो गया, ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, इन सब पे ना हर टॉपिक के अच्छे खास वो आर्टिकल्स हैं, कोडिंग एग्जाम्पल्स भी हैं। और मान लो बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, डब्ल्यू के रिसोर्सेज पे भी जा सकते हैं। जावा के बेसिक बेसिक क्वेश्चन सेगमेंट वाइज भी हुए हैं कि ये टॉपिक के हैं, ये टॉपिक के हैं, तो आपको सब प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। और वही अगर आप थियोरेटिकल पार्ट पे आते हो, तो आपका फैकल्टी आपको जो पढ़ा रहा है सबसे पहले, तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दो, तो अधिकतर चीजें वही कवर हो जाएंगी, तो उसके बाद वो आपके नोट्स भी देता है। तो अभी लाइक ये चीज बता दो कि लाइक जैसे तुमने बताया कि प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस होता है ड्यूरिंग, मतलब क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग प्लेसमेंट या फिर डिफरेंट टेक्निकल राउंड समझो, तो फिर तो बाकी बच्चों को लाइक कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे जैसे वो लोग टेक्निकल राउंड में ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, या फिर जावा पे, या फिर जो ज्यादा ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए। आपके पास रहेंगे ऑप्शन एक कोर जावा और एडवांस जावा का जो मॉड्यूल है वो, और जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है, और चौथा मॉड्यूल आ गया वेब टेक्नोलॉजी का जो फ्रंट एंड। इन चारों को मिला के आपका प्रोजेक्ट कर, फिर उसके बाद आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको ध्यान देना जरूरी है, तो उसको बेसिक थ्योरी पार्ट है, तो कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, आपके लक तो भी को जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो आपका लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। ये सही है। तो आपको ना ओवरऑल कवर करते चलने चाहिए, पर मेन आपका फोकस रहना चाहिए यूजीटी, डब्ल्यू टी, कोर जावा और एडवांस जावा। तो इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये क्योंकि यही चारों में से कोई ना कोई आप अपने यही चारों आप उसमें यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट। पर ऐसा भी नहीं कि बच्चे ये सोच के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, आपको लाइनेक्स से फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब आगे कंपनी में जाओगे तो बहुत काम आएगा। जैसे हम लोगों को फीडबैक में दिया गया था कोऑर्डिनेटर, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर द्वारा कंपनी से फीडबैक आया है कि जो बच्चे हैं वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अच्छे से काम नहीं करता, जिनको लाइनेक्स नहीं आता उससे अच्छे से, फिर वो लोग डेट वगैरह नहीं कर पाते, लोगों को कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको पता नहीं, जैसे डॉकर हो गया, कंटेनराइजेशन हो गया, ये फीडबैक आया था कंपनी की तरफ से। तो ऐसा है कि ये एसेंशियल चीजें नहीं है, पर अगर आपका कोर्स हो गया है, आपको जो पढ़ाया गया है वो आता है, तो आप उन चीजों पे भी फोकस कर सकते हो, आपको प्लस पॉइंट देगा प्लेसमेंट के टाइम, फिर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था आपसे कि अगर मान लो आपको कोड वर्जन कंट्रोल का कुछ भी आता है, जैसे गिट आता है, आपको गिट यूज कर लेते हो, आप उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपको भी आपको प्रोजेक्ट में भी बहुत फायदा मिलने वाला है। और सेम चीज आप बता सकते हो उसमें इंटरव्यू में कि आपने उस प्रॉब्लम की, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो कोऑर्डिनेट करने में उसको कैसे हैंडल किया, क्योंकि अगर आप ये अपने प्लस पॉइंट प्रेजेंट करोगे ना कि मैं ये प्रॉब्लम भी हैंडल कर सकता हूँ,
कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को तो मैं सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। और सही एक और चीज ऑब्जर्व की थी मैंने, जो मतलब प्लेसमेंट कर रहे थे, आपके जो इनिशियल राउंड है ना वो जितने अच्छे जाएंगे आपको लेटर राउंड में उतनी आसानी रहती है। ओके ओके ओके। तो आप एप्टीट्यूड राउंड में मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया, आपका कोडिंग राउंड में बहुत अच्छा गया ना, तो आपको टेक्निकल राउंड में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। जिनका क्या होता है कोडिंग राउंड अच्छा नहीं गया है मान लीजिए, पर वो फिर भी अगले राउंड में ये सिलेक्ट हो गया, तो इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहेगा ना कि उसकी कोडिंग अच्छी है कि नहीं। पर अगर आपका वो राउंड अच्छा चला गया, आपका एप्टीट्यूड अच्छा चला, एप्टीट्यूड अच्छा चला गया मतलब आप लॉजिकली साउंड, कोडिंग राउंड अच्छा चला गया मतलब आपका कोडिंग लॉजिक अच्छा है और आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। या वो ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे मेरे से इंटरव्यू में कोड नहीं लिखवाया गया था, लेकिन और भी बच्चे जिनका कोडिंग राउंड अच्छा नहीं गया था ना उनसे कोड भी लिखवाया गया। इंटरव्यू चला था करीबन 15 मिनट, क्योंकि मेरे शुरू के राउंड बहुत अच्छे गए थे और मैंने इंटरव्यू में ना बात टेक्निकल से अपने टीम बिल्डिंग से और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से डाइवर्ट कर दी थी। अच्छा, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मतलब इंटरव्यू में आप ये चाहो कि आप डिस्कस करो कि किस चीज से बात होगी। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसा मत बोलो जिसका आपको पता है नहीं। मान लो आपने कोई कोई भी वर्ड यूज कर रही है या कोई भी ऐसी चीज यूज कर रही, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो इंटरव्यू ने आपको इस पर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका कोई खर्चा नहीं। हाँ, दिक्कत आई। तो अभी ये बता दो कि सॉफ्ट स्किल कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी या फिर इस चीज पे। एक बात बताइए, आपको बहुत नॉलेज है टेक्निकल नॉलेज की, ऐसा कोई भी कोड नहीं जो आप बना नहीं सकते, लेकिन आप वो चीज कन्वे ही नहीं कर पाओगे सामने वाले को कि आपको ये नॉलेज है, तो कोई काम की नहीं। Exactly. और जब आप इंडस्ट्री वाले भी ये देखते हैं कि बंदा किससे अच्छे से बात कर पा रहा है, कोई नया आदमी है उससे अपने थॉट एक्सचेंज कर पा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री में यही होता है कि आपने जो काम किया है आपको दूसरों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन बहुत मायने करता है, तो ये स्किल इंडस्ट्री वाले जरूर देखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि लाइक अगर जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता है और डरते भी है कि लाइक यार इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे या फिर होगा या नहीं होगा, सिटैक करने से पहले या फिर सिटैक करते समय भी उनको वो डर रहता है मन में कि यार अपना कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है ड्यूरिंग कोर्सेस, मतलब कुछ प्रिपरेशन करे उसके बारे में या फिर इसमें ना दो चीजों का इलाज एक साथ हो जाएगा। एक तो आप लोग को मानने से कोई डाउट आया है, ठीक है, अब आप किसी से ओवर टेक्स्ट से ओवर कॉल पूछने चाहता है, आप जूम कॉल कर लो और ये बात डिसाइड कर लो कि हिंदी में नहीं, हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, ओके ओके, हिचक हट जाएगी उससे। और सेम काम आप प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट में रूम मीटिंग अरेंज करोगे तो आप मत डरो अपने थॉट बोलने में, तब प्रैक्टिस कर लो अपने आप को एक्सप्रेस करने में ना, तो इंटरव्यू में वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। और जैसे जब एप्टीट्यूड का मॉड्यूल आए या फिर जब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मॉड्यूल आता है, तब नोट्स पे तो रखो ही नहीं, तब बात करते रहो करते। अब जैसे अलग अलग होते हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मॉड्यूल में, आपका प्रेजेंटेशन भी होगी, आपका जीडी भी होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा, तो जब वो आप दे रहे हो ना आपसे जब पहले प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको फैकल्टी बताएगी कि आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको कोशिश करो कि जब आपका अगली चीज हो जैसे जीडी हो या इंटरव्यू हो तब तक आप वो चीज पे काम करो अपने टीम के साथ, कि भाई मैम ने बताया था, सर ने बताया था कि ये चीजों में मैं कमजोर हूँ, मेरे को उस पर काम करना है, तो इससे सबसे बढ़िया रहेगा ना आपका जो ग्रुप है दोस्तों का, उस आपस में बात करो ना, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ओवर द कॉल भी बात कर रहे हो तो इंग्लिश में कर रहे हो, मतलब बच्चों को ये नहीं होता कि अपने बात नहीं रख पाते, हिंदी में बोलो मराठी में बोलो या उनकी रीजनल लैंग्वेज में बोलो तो बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, इसके बाद आ जाती है इंग्लिश में कन्वे करने में,
वही वही मतलब पूरा ड्यूरिंग कोर्स आप ट्राई करो कि सबके साथ जो भी आपके फ्रेंड्स है या फिर फैकल्टी है या फिर जो कोई भी आपको मिलेगा उससे ट्राई करो कि इंग्लिश में ज्यादा बात करें, ताकि थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन आपका बिल्ड हो मतलब प्लेसमेंट के समय पर। ओके तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन वन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लाइक एप्टीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चे को ये इसका मैं करने। बताता हूँ आपको। देखो एप्टीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है मतलब बहुत से बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है टेक्निकली तो वो लोग बहुत अच्छे, और मेरे से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, पर वो लोग कई कई कंपनियों का फर्स्ट राउंड ही नहीं निकाल पाते। सही बात है। तो आप कितने भी होशियार हो, जब आप एप्टीट्यूड का राउंड तो हर कंपनी में ऑलमोस्ट होता ही, इसी को निकाल पाओगे तो आप अपना टेक्निकल नॉलेज प्रेजेंट कैसे करोगे। अगर फर्स्ट राउंड नहीं कर पाओगे तो सेकंड राउंड में जाओगे कैसे? और फिर तो एप्टीट्यूड से क्या होता है ना, सिर्फ यही चीज नहीं होती है कि आपका फर्स्ट राउंड रहेगा, आप एप्टीट्यूड में मोस्टली पजल्स अगर सॉल्व करोगे या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो फॉर्मूला बेस्ड ना होके थिंकिंग बेस्ड तो आप सोच डेवलप होगी, तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ओके ओके जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू था जिसमें एसी का दिया, तो मैं एसी का बता सकता हूँ, उसमें 40 क्वेश्चन थे और एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं ओके था। आपको तो सोच बल सही हो गई ना आपकी, आप अप्रोच करना सीखो आपकी सोच। बाकी अगर कि कोई सोचता है कि मतलब उसका ऐसे सुरक्षा है ही नहीं, वो कैसे करेगा, और मेरी जो फैकल्टी थी उसने तो काफी अच्छे से पढ़ाया, और तीन फैकल्टी काफी ऊंची थी, तो आप ये भी देखिए वो तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो। अगर आपको एफिशिएंसी लानी है, मैं क्या कर टीकैट के पहले मैंने अपना एप्टीट्यूड और अच्छा करने के लिए क्या किया, इंडिया बेस्ट क्लियर करते हैं उससे रैंडम क्वेश्चन से टेस्ट होते, तो मैं पहले टेस्ट दिया है, मेरे को बेसिक नॉलेज थी इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले टाइप दे दिया। जिसको टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं है उसको तो मैं कहूंगा कि जैसे आपको आपको इंडेक्स की उन लोग के लिए जरूर है ना, जो इंडेक्स अभी कर रहे हैं, तो अभी वो बाहर से यूट्यूब पे पढ़ने मत जाओ, ठीक है, आपको मॉड्यूल से पढ़ाया ही जाएगा टॉपिक। ओके फिर उसके बाद जब आपके टॉपिक हो जाए सारे, तो आप बेहतरीन उसमें रैंडम क्वेश्चन का कैसे हो, 20 क्वेश्चन चाहिए 30 मिनट, इसमें आपका तो टाइम लिमिट वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो। फिर उसमें आप उसमें उसके बाद आपको बताएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन सही है, और कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का था, तो आप लिस्ट बना लो, एक टॉपिक के मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बने, एक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, तो एक एक टॉपिक करके इम्प्रूव कर दीजिए। इंडिया बेच पे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आपको सारे टॉपिक काम नहीं आने वाले, जैसे फूड अकाउंट वगैरह है या बैंक अकाउंट वगैरह, इसके क्वेश्चन आपको इंडिया बेच पे मिलेंगे, तो और कहीं मैंने वो क्वेश्चन कभी तक पेश नहीं किए। फूड अकाउंट या बैंक अकाउंट ऐसे टॉपिक का जो क्वेश्चन मेरे से मिस हो जाते थे, नहीं बनते थे इंडिया बेच पे, उनकी मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था, चलो पूछे नहीं जाएंगे मैसेज तो मैं क्यों सही बात है, सही। करूंगा। एक महीने तक मैंने काम किया था टीकैट के पहले, और एट द एंड क्या हुआ था मेरे साथ कि हर बार जब मैं कोई भी रहना पैस देता था ना, तो हर बार मेरे स्कोर 90% से ऊपर चल गया था। ओ अच्छा। तो इससे क्या होगा ना, आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते जाओगे। तो अभी मुझे ये बता दो कि तुम्हारा प्लेसमेंट का मतलब जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, कितने राउंड हुए थे, या फिर इसके बारे में थोड़ा बता दो डिटेल में कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ उसमें 3 राउंड हुए थे, पहला एप्टीट्यूड राउंड था, दूसरा था हमारा पोलिंग राउंड, और तीसरा था हमारा प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम। एप्टीट्यूड राउंड में कैसा था, हम 40 क्वेश्चन दिए गए थे और 20 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये था ना कि आपका थ्योरी वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सेम है, आपकी ऑब्जर्वेशन से मेन क्वेश्चन से और आपकी थिंकिंग एबिलिटी एक तो क्वेश्चन से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, बाकी और कोई ऐसा खाली नहीं कि जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, ओके ओके
तो यही मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप अपना लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करते हो ना, तो आपको उसका तो बहुत फायदा मिलेगा। अब सेकेंड राउंड था हमारा कोडिंग राउंड, उसमें हम इनको एक प्रॉब्लम दे दी गई थी सॉल्व करने के लिए और 5-6 मिनट के टेक्निकल क्वेश्चन थे। और जैसे कि जो कोडिंग थी उसमें मेरे को दी गई थी स्ट्रिंग, तो उसका मेन जो फोकल पॉइंट था स्ट्रिंग और डेटा टाइप का कन्वर्जन। तो वही बोल रहा था मैं स्टार्ट करने की, अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हैकर एंड हो गया, हैकर रन हो गया, फॉर दिस हो गया, तो आप कोडिंग सॉन्ग निकाल सकते हैं। जब आपको बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने टेक्निकल सॉन्ग हो गया, आप लॉजिकल अपना लॉजिक जो सोचे हो वो अप्लाई कर पाओ। जो कि थर्ड राउंड था टेक्निकल का था, उसके हिसाब से पहले मेरे को एक पूछा कि टेल मी अबाउट योर, तो मैंने उनको अपनी बेसिक डिटेल्स बताई कि मेरा नाम है, मैं यहाँ से हूँ, क्योंकि वो सब डिटेल्स उनके पास थे। तो मैंने इस बात को स्टार्ट किया कि फीडबैक में एक्चुअली आया तो आया, फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मैं कॉलेज कहाँ से किया, कौन से स्ट्रीम से किया। और फिर उनको मैंने ये बताया कि मैंने जो कॉलेज में 4 साल किया बिताए हैं उसमें मैंने एक्चुअली सीखा क्या, आउटकम क्या मिला उसको। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैंने फीडबैक में क्या किया, फीडबैक से क्या पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कि वहाँ प्रोजेक्ट क्या था, तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हम लोग यही कर रहे थे। फिर उनको मैंने खुद से ही बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में मेरा ये पार्ट था, क्योंकि मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा था ना, जैसे लाइन में मैं बैक एंड से ही काम किया और डेटा बेस से काम किया। तो मैंने क्या था कि वो लोग मेरे कंटेंट के क्वेश्चन पूछ रहे थे रिएक्ट वगैरह, तो मैंने खुद से ही बता दिया उनको कि पूरे प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था कि हमने पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। दो लोग कर रहे थे फ्रंट एंड का काम, दो लोग कर रहे थे बैक एंड का काम, और मैं काम कर रहा था डेटा बेस से, और डेटा बेस से अपने पूरे इंटीग्रेशन से ओजो नाम की होती है उनका पे मैं काम कर रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे डेटा बेस से, ये क्वालिटी बताओ, ये क्वालिटी बताओ, ये क्वालिटी बताओ। और क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में काम किया हुआ था अच्छे से, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली उनको उसका आंसर दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं ज्यादा कुछ टेक्निकली, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे, मल्टी थ्रेडिंग बताओ क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये वो ले गए मेरे, जो मैंने उनको कॉलेज का बताया था अपने उससे ले गए मेरी बात, जैसे तुमने वो प्रोजेक्ट में 3 लोगों पे की हैंडल कैसे थे, तो तुम लीड कर रहे थे तो हैंडल कैसे थे, तो उन्होंने बताया मैंने उनको। फिर उन्होंने पूछा वर्क जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में मैकेनिकल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है और कोडिंग का पार्ट भी आता है, तो तुमने काम कैसे डिवाइड किया। तो तब मैंने बताया कि हम लोग 3 लोग थे, तो एक बंदा था, एक बंदे ने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ था उसके बाद आया था, तो उसने ले लिया, उसने बोला कि मैं ये पास कर लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोला कि सर फिर हम लोग एक और जो मेम्बर थी हमारी उससे पूछा, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिकल का पार्ट बहुत लेबरस हो जाएगा, फिजिकल काम करना पड़ेगा, तो मैं कोडिंग का काम कर लूंगी। okay. फिर मैंने बोला कि फिर बच गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, तो मैंने ले लिया था। okay. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो तुमने मतलब खुद से नहीं डिसाइड किया क्या करना है तुमको, तुमने पहले अपनी टीम को लिया कर लिया। तो ये उनका रिएक्शन देख के मेरे को जैसे इस टोन में उन्होंने बोली ना, तो मेरे को लगा इस बात में भाई वो इंप्रेस हो गया है। अच्छा अच्छा तो मतलब आपको कोई भी जो इंटरव्यू दे रहा है ना, उसको इस बात पे ध्यान रखना है कि वो अपने प्लस पॉइंट प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है, और अपने जो नेगेटिव पॉइंट है, जो उसके ड्रॉबैक है उस इंसान के, उसे डिविएट कर कैसे कर रहा है। एग्जैक्टली तो आप नेगेटिव से दूर जाके पॉजिटिव के पास इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके चांस उससे बढ़ गए। ओके ठीक है। तो अभी सबसे लास्ट सवाल लेते हैं कि जो अभी करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कुछ अगर तुम्हें टिप्स देना है कि क्या करना चाहिए अभी ये, उनका जो भी कोर्स चल रहा है या फिर जो भी ज्वाइन होने वाले, तो कुछ एकदम शॉर्ट में टिप्स दे दो कि भाई ये चीजें ध्यान रखो तो आपका प्लेसमेंट 100% हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा ना, लोगों को ये टेंशन होती रहती है प्लेसमेंट होगा कि नहीं, कंपनी आएंगी कि नहीं, तो मान लो नहीं होता प्लेसमेंट, 50% बच्चे ही प्लेस हो गए, ठीक है। तो भाई तुम अपने आप को कैटेगरी बना लो ना कि उन 50% में आ जाओ,
एग्जैक्टली इससे क्या होगा ना, टाइम बहुत बचेगा बच्चों का, क्योंकि उनका दिमाग में यही रहता है कि अरे नहीं क्या करूंगा क्या करूंगा, नहीं हुआ तो जो आपका पढ़ाई से जितना माइंड डाइवर्ट होगा ना, आप उससे उसकी दिक्कत आएगी आपको। तो आप ये सोचिए सही नहीं हो रहा है सर का, लेकिन 50 100 बच्चे हैं तो 85 देख होंगे, मेरे को उन 50 में आना, तो आप खुद खुद को बेहतर बना लोगे और आपका प्लेस और प्लेसमेंट में आपको और आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब प्रोजेक्ट के लिए टीम चुनते हो ना तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर टीम वर्क अच्छे से नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आने वाली दिक्कत आ जाएगी। है। और जैसे सबसे बात, मैंने जो काम नहीं किया, हम लोग ने स्टार्टिंग में पोस्ट कोऑर्डिनेटर हम लोगों को कुछ बोलते थे ना, तो हम मेरे को यही लगता था कि फालतू की बकवास करे जा रही है, फालतू की बकवास करे जा रही है। ठीक है, लेकिन जब प्रोजेक्ट एंड आया ना, जब प्रोजेक्ट में एंड एंड में सब बातें रिलाई, हाँ मैम ने ये बात सही बोली थी, मैम ने ये बात सही बोली थी, हाँ एग्जैक्टली तो हाँ, तो मतलब ये कहूंगा कि बस कोऑर्डिनेटर तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, वो जो बोल रहा है उसको उसकी बातों को ड्रॉप करो, और एग्जैक्टली मॉड्यूल में पीछे मत रहो, रोज का काम रोज निपटा लो, और जितना रिकॉर्डिंग से भी आस लगाते मत बैठो कि हो गया अभी समझ आ रहा है रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो तुमको क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा, ये बात है। है ना। तो ये तो मैं जो मैंने किया था ये काम, तो मैं रिकॉर्डिंग देख के काम करता था, लेकिन मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके ओके चलेगा। लगता है मुझे सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया है मोस्टली। तो गाइस चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो एक बार वीडियो को, और अगर कुछ डाउट्स है तुम्हारे जो भी, मतलब कुछ अगर मिस हुआ है हमारे से इस वीडियो में, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यश, या फिर मैं कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा तुम्हें। तो बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो और जो नया देख रहा है, जिस सीडा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो बाकी मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा सीडा क्या चीज है। तो बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।